वादा खिलाफी की। गजेंद्र सिंह जी कुल जल संसाधन मंत्री, ये खुद कह रहे हैं कि राठौड़ साहब को आप इलेक्शन जिता के इनकी सरकार बना दो, हम 72,000 करोड़ रुपए दे देंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये इलेक्शन के लिए काम करते हैं और इनके वादे पे विश्वास कौन करे। जब पहले देश का प्रधानमंत्री वादा कर गया उसको इन्होंने पूरा नहीं किया और जल संसाधन मंत्री यहाँ का होके नहीं किया, तो आप समझ सकते हो कि कोई इनमें इनकी बातों में दम नहीं, इनके ऊपर विश्वास नहीं। कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आया और राजस्थान में इनकम टैक्स ईडी की कार्रवाई रेड ज्यादा होने लगी। अब कल नोटिस मिला है गजेंद्र सिंह शेखावत को, अपने जो केंद्रीय मंत्री है उसमें। अब दोनों तरफ देखिए, ये तो बात बराबर जनता तक पूरी नीचे तक चली गई है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, सरकार है, वो अपनी संवैधानिक संस्थाओं का जिसमें ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आती है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। और दुरुपयोग का आप देख लिए, छत्तीसगढ़ में छापे पड़ रहे हैं, राजस्थान में पड़ रहे हैं, जहां भी पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक भी ऐसा नेता बता दो भारतीय जनता पार्टी का जिसके यहाँ छापा पड़ा हो। मान लो एक तरीके से डीवाईटी है, डीवाईटी में अंदर सेक्रेटरीट में पैसा मिला, वो जो काम है, वो जो फाइल है, वो जो टेंडर है, वो हमारी सरकार से पहले का भी है उसमें, तो क्या उनमें से किसी के गए ये? या ये जो बड़े बड़े मठाधीश बने घूम रहे पिछले 5 साल में, क्या इन्होंने 100 रुपए का कभी करप्शन किया ही नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे हरिश्चंद्र पैदा हो गए और हमारी पार्टी में सारे के सारे चोर पैदा हो गए? तो ये सब जनता जान रही है और जनता इनको जवाब दे देगी। हम तो कह रहे हैं भाई जो गलत कर रहा है उसको पकड़ो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इनको गलत से मतलब नहीं है। भय का वातावरण करना, डराना, बिना मतलब उनको क्रेश करने की कोशिशें करना, मैसेज दिलवाना इधर उधर से, आप बोला मत करो वरना ईडी आ जाएगी, तो ये सब जनता समझ चुकी है और जनता इसका जवाब देने वाली है। हमको देने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को, कांग्रेस तो कह रही है जो कर रहे हो आप कर लो, जो आप में हिम्मत है, लेकिन जनता जवाब देगी। डोटासरा जी, लास्ट सवाल, कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी में अलग अलग गुट होने की बात कहते रहे, सीएम का फेस नहीं डिक्लेयर अब तक किया गया, उसको लेकर सवाल उठाते रहे। कांग्रेस की बात की जाए तो बीजेपी के नेता सचिन पायलट के गुट अलग होने की बात कहते हैं, संगठन के गुट अलग होने की बात कहते हैं, किसके चेहरे पे चुनाव होगा ये भी अब तक कुछ तय नहीं बताते। 8 महीने पहले 10 महीने पहले थोड़ी बहुत स्थिति थी, जो मामूली जो उनका मतभेद था, मनभेद नहीं था, वो सब खड़गे साहब और राहुल जी की मीटिंग के बाद में समाप्त हो। उसके बाद में हम सब यूनिटी के साथ में हैं। सचिन जी भी जब भी उनको मौका मिलता है वो ये कहते हैं कि हम सब तन मन धन से लगेंगे और हम जीतेंगे, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है और प्रदेश में बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी आती है। और देश में दोबारा 2024 में अगर मोदी जी आते हैं तो मैं समझता हूँ आगे इलेक्शन ही नहीं हो, ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो चाहे सचिन जी हों, चाहे सीपी जोशी हों, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह जी हों, चाहे मालवीय जी हों, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे पहले और कोई पूर्व अध्यक्ष हों, सीनियर लीडर हों, हम सब ए से लेके जेड तक सब कार्यकर्ता नेता एकजुट है, एक साथ दिखेंगे, एक साथ काम करेंगे और जीतेंगे। कितनी सीट का दावा है? बहुमत बहुत अच्छा आ रहा है। अब सीटें तो जब सारी टिकटें हो जाएं उसके बाद में जो एनालिसिस करने वाले करेंगे, आप लोग करेंगे, मीडिया करेगा, सर्वे वाले करेंगे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जो मैं सुन रहा हूं, मतलब वेरी शॉकिंग है बीजेपी के लिए कि जो 41 हैं लोग कह रहे हैं 4 भी नहीं जीतेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, गोविंद डोटासरा नहीं कह रहा है, गोविंद डोटासरा तो ये कह रहा है कि मेरे सामने मान लो मुझे लक्ष्मणगढ़ से टिकट मिलता है तो जो 2009 के बाद में कभी पद पे नहीं रहा, जनता के बीच में नहीं रहा, उस व्यक्ति को उठा करके और उन्होंने वापस दिया है और उसने भी अपने सगे भाई की फतेहपुर से टिकट कटा के लिया, तो अभी वो जेजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं बड़े भाई साहब का, सुभाजी महरिया साहब का मेरे पे आशीर्वाद है। तो आप इनका किस पे किसका आशीर्वाद है और कौन किस दल से लड़ रहा है, किस दल से, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं, ये व्यापारी लोग हैं, ये राजनीति में सेवा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये व्यापार करने के लिए। ऐसे के ऐसे सारे एमपीओ ने, जो एमपी इन्होंने उतारे हैं या जो बगावती जो लोग थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे इनकी पार्टी के खिलाफ, उनको उतारा है, तो वो लोग बाग तो 5 साल इनकी बुराइयां करते रहे थे कि बीजेपी भ्रष्ट है, बीजेपी काम नहीं कर रही है, और जो सांसद थे वो यहाँ थे नहीं, फील्ड में थे नहीं, तो जब फील्ड में लोगों के पास में नहीं थे, लोगों के मदद के लिए नहीं थे, तो आज लोग उनके साथ कैसे हो जाएंगे? ये इनको गलतफहमी है कि मोदी और अमित शाह के चेहरे पे चाहे जिसको टिकट दे दो वो खड़ा हो जाए, वो जमाना चला गया।
थैंक यू। थैंक यू।